बाजार के सारे रूल्स जाएंगे भूल जब घर पर ही बनाएंगे गेहूं के आटे का ऐसा सुपर क्रिस्पी और टेस्टी चटपटा नाश्ता, जिसको एक बार खाने के बाद में मन यही करेगा कि बस खाते ही जाएं, खाते ही जाएं। तो हेलो, नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो हाजिर हूँ मैं एक और मज़ेदार टेस्टी चटपटी रेसिपी लेके, जो कि है बाज़ार से बिल्कुल डिफरेंट और बनाने में बहुत ही आसान। इस चटपटे नाश्ते को बनाने के लिए हमें चाहिए बहुत सारी सब्ज़ियाँ, हरी ताज़ी फ्रेश सब्ज़ियाँ। आपके घर में जो भी सब्ज़ी पड़ी हो आप उसको बनाएं, गोभी आलू नहीं चलेगा। इसमें शिमला मिर्च, गाजर, प्याज, बंदा गोभी, ये सारी सब्ज़ियाँ हम डाल सकते हैं, क्योंकि ये एक तरह से चाइनीज़ खाना है ना, इसलिए हम इसमें ये सारी चीज़ों को ऐड करेंगे। इसके लिए मैंने ली हुई है 2 गाजर, 1 मीडियम साइज़ का प्याज और 1 शिमला मिर्च। इसको हम पतला पतला सा करेंगे इस तरह से चॉप, और शिमला मिर्च को भी हम लंबा लंबा सा काट लेंगे, पत्ते पत्ते से स्लाइस। अच्छा, फिलिंग के लिए इसके स्लाइस को हमें इसी तरह से लंबा लंबा रखना है, और गाजर के स्लाइस काफ़ी लंबे हो जाते हैं, तो आप चाहें तो इसको बीच से इस तरह से कट भी कर सकते हैं। मुझे ये स्लाइस काफ़ी लंबे लग रहे थे, इसलिए बीच से मैंने इस तरह से इनको कट कर दिया है। और लास्ट में मैं काट रही हूँ बंदा गोभी, ये तो बहुत ही ज़रूरी है, इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें, इसके बिना तो टेस्ट ही नहीं आएगा। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि घर पे जो बच्चे होते हैं वो सब्ज़ियाँ नहीं खाते हैं, और उनको सब्ज़ियाँ डांट के हमें खिलानी पड़ती हैं। तो अगर आप इस तरह से उनको स्नैक्स बना के देंगे जिसमें सब्ज़ियाँ अच्छे से फिल होंगी, तो ये उनकी हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा होगा, और वो बिना किसी परेशानी के इनको बहुत अच्छे से खा भी लेंगे, और साथ साथ में उनको टेस्ट में भी काफ़ी अच्छी लगेंगी। तो चलिए, हौली हौली हमारी सब्ज़ियाँ तो कट के तैयार हो गई हैं। अब हम इसको एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे, और साथ में ही हम इसमें डालेंगे करीब 1/2 चम्मच नमक। नमक हम इसमें इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि सब्ज़ियाँ हमारी थोड़ा सा पानी छोड़ती हैं, इसलिए जब फिलिंग के लिए हम इसको तैयार करें तब इसमें बिल्कुल भी पानी ना हो और फिलिंग हमारी अच्छे से हो जाए। इसको 5 से 10 मिनट के लिए हम इसी तरह से मिक्स करके नमक के साथ में साइड में रख देंगे। उसके बाद में हम इसको फिल करने के लिए डो तैयार कर लेते हैं। आटे के लिए मैंने लिया है इसमें 1 कप मैदा, और 1 कप ही मैंने लिया हुआ है गेहूं का आटा। अगर आप मैदा इसमें डालना नहीं चाहते हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, आप इसको डायरेक्ट गेहूँ के आटे से भी बना सकते हैं। इस डो को खस्ता बनाने के लिए मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच देसी घी। अगर आप देसी घी स्किप करना चाहते हैं तो आप इसकी जगह पर रिफाइंड ऑयल या किसी भी प्रकार का मोयन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ में मैंने इसमें डाला है 1/2 चम्मच नमक। नमक बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आटे में अगर नमक नहीं होगा तो वो बाहर से फीका फीका सा लगेगा और उसमें स्वाद में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। फिर इन तीनों चीज़ों को हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। आटा गूंथते टाइम हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारा जो डो हो वो काफ़ी सॉफ्ट बने, ताकि इसको बेलने में आसानी हो। बिल्कुल भी इसको सख्त नहीं बनाना है, इसको इस तरह से गूंथते हुए हमें इसको सॉफ्ट करना है। ये देखिए, हमारा आटा एकदम लग चुका है। लास्ट में मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा घी, घी से ये आटा जो है थोड़ा सा और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा और इसमें दिक्कत नहीं होगी। चलिए, हमारा आटा तैयार हो गया है। 5 से 10 मिनट के बाद में ये देखिए, सब्जियों ने हमारा पानी भी छोड़ दिया है। इसको हम निचोड़ने के लिए एक ऐसे साफ़ कपड़ा ले लेंगे और सारी सब्जियों को इसमें डाल के इस तरह से इसकी पोटली बना लेंगे और इसको अच्छे से स्क्वीज करके सारा पानी इसका निकाल लेंगे। ये देखिए, हमारी सब्जियां पूरी तरीके से ड्राई हो चुकी हैं। अब इसको हम सौते करने के लिए एक कढ़ाई में हल्का सा तेल गर्म करेंगे। तेल बहुत ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा सा तेल ही डालना है, करीब 1 चम्मच। उसके साथ में मैंने डाला हुआ है इसमें 1 चम्मच जीरा। जीरे को अच्छे से चटक जाने देंगे। जीरे के चटकने के बाद में हमने इसमें डाला हुआ है इसमें चाइनीज़ फ्लेवर देने के लिए खूब सारा लहसुन और ढेर सारा इसमें अदरक क्रश किया हुआ। अच्छा, कोई भी चाइनीज़ खाना होता है तो उसमें लहसुन और अदरक, ये चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि इसी से तो स्वाद आता है। और थोड़ा सा मैंने इसमें डाला हुआ है, करीब 1 गांठ मैंने प्याज काटी हुई थी, वही प्याज मैंने इसमें डाली है। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम सौते कर लेंगे। इस टाइम पे गैस की फ्लेम थोड़ी सी मीडियम ही रहनी चाहिए, बहुत हाई नहीं रखनी, बहुत लो नहीं रखनी। इन सारी चीज़ों को हमें करीब 2 से 3 मिनट तक ही अच्छे से भूनना है।
अच्छे से भूनने के बाद में हम इसमें ये देखिए हमारा प्याज लहसुन सारा कुछ अच्छे से भून चुका है। उसके बाद में मैंने जो सब्ज़ी काट के रखी हुई थी वो सब्ज़ी मैंने इसमें डाल दी है और इनको भी हम अच्छे से चला लेंगे और साथ ही साथ इनको मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भूनेंगे सब्ज़ियों को, क्योंकि हमारी जब तक सब्ज़ियाँ अच्छे से भुनेंगी नहीं, ड्राई नहीं होंगी, तब तक वो फिल करने में आसानी नहीं होंगी और वो बीच बीच से फट जाएंगी। इसलिए सब्ज़ियों को अच्छे से भूनना बहुत ज़रूरी है और साथ में इसके भुने हुए का टेस्ट भी थोड़ा सा अच्छा रहता है। इसलिए हम चाहते तो इसको ऐसे भी सब्ज़ियों को फिल कर सकते थे, लेकिन भूनने के बाद में इसका स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा रोस्ट कर रहे हैं। इसके बाद में मैंने करीब इसमें डाला है 1 चम्मच सोया सॉस। अच्छा, सोया सॉस से सब्ज़ियों का कलर थोड़ा सा काला हो जाता है, इसलिए इसको आप थोड़ा सा हिसाब से ही डालें। और दूसरी चीज़, इसमें नमक डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नमक हमने सब्ज़ियों में पहले से ही डाल रखा था जब इसको निचोड़ने के टाइम पे, और सोया सॉस में भी हमारे नमक होता है, इसलिए नमक कहीं ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए हम इसमें नमक नहीं डालेंगे। अच्छा, इसी के साथ ही मैंने इसमें 1 चम्मच डाला है कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर हम इसमें इसलिए डाल रहे हैं कि इसमें अगर हल्की सी भी नमी हो या पानी हो तो सारा पानी वो सोख ले। अगर आपके पास में कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप इसकी जगह पे 1 चम्मच मैदा या अरारोट का पाउडर भी डाल सकते हैं। ये देखिए हमारी सब्जियाँ पूरी तरीके से ड्राई हो चुकी हैं और ये फिलिंग के लिए एकदम तैयार हैं। एक दो बार अच्छे से चलाने के बाद में हम इसको उतार लेंगे और फिलिंग को ठंडा होने के लिए रख देंगे। उसके बाद में एक कटोरी में मैंने लिया है 1 चम्मच मैदा और 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर और थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसका पेस्ट तैयार कर लिया है। इसका क्या करना है वो मैं बाद में बताती हूँ। उसके बाद में जो मैंने आटा लगा के रखा हुआ था उस आटे के थोड़ा सा पेड़ा निकाल के इस तरह से रोटियाँ बना लेनी है। रोटी के शेप में इसको बना लेना है, थोड़ा सा लंबा बनाना है ताकि हमारी एक रोटी से 2 बार की फिलिंग तैयार हो जाए। उसके बाद में जो फिलिंग हमने बना के रखी हुई थी वो सारी फिलिंग हम इसमें डाल देंगे थोड़े थोड़े करके। ये देखिए हमारी फिलिंग कितनी ज़्यादा ड्राई है और इसको भरने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही है। और जो मैंने बाद में पेस्ट तैयार करके रखा हुआ था ना, उस पेस्ट को मैं चारों तरफ से लगा दूँगी ताकि ये जब हम इसको फ्राई करें तब ये बीच से खुले नहीं। ये देखिए चारों तरफ से पेस्ट तैयार करने के बाद में मैंने इसको इस तरह से फोल्ड कर दिया है और इसको अच्छे से सील कर दिया है चारों तरफ से, ताकि ये जब हम इसको तेल में तलें तो ये बिल्कुल भी खुले नहीं और इससे हमारी फिलिंग बाहर नहीं आएगी। आप इसको किसी भी शेप में बना के तैयार कर सकते हैं। इसी तरह से मैंने सभी रोल्स को बना के तैयार कर लिया है। कुछ रोल्स मैंने छोटे भी बनाए हैं और कुछ रोल्स मैंने बड़े भी बनाए हैं। उसके बाद में इन रोल्स को फ्राई करने के लिए कढ़ाई में मैंने तेल गरम किया है और एक एक करके मैंने इन सभी रोल्स को इसमें डाल दिया है। अच्छा, इस रोल्स को बनाने के लिए 2 तरह से आप इसको बना सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप डायरेक्ट इसको फ्राई कर लें जैसे मैं कर रही हूँ, और दूसरा तरीका ये है कि जैसे आप दाल के फरे वगैरह जो बनाते हैं स्टीम दे के, पहले इसको थोड़ा सा स्टीम दे लें उसके बाद में फ्राई करें। तो ये दोनों तरह से टेस्ट इसका दोनों में अच्छा आता है। अगर आपके पास में टाइम कम है तो आप तुरंत तुरंत इसको फ्राई कर लें, अगर आपके पास में टाइम थोड़ा ज़्यादा है तो आप इसको स्टीम दे के फ्राई करें तो उसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है। ये देखिए हमारे रोल्स बन के एकदम फ्राई होकर तैयार हो गए हैं और मैं इसको एक बार बीच से काट के दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी फिलिंग कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। मैंने इसमें कोई भी मसाले इस्तेमाल नहीं किए हैं, इसलिए थोड़ी दिखने में थोड़ी सी लाइट है, लेकिन टेस्ट में ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त थी। ये देखिए हमारे रोल्स एकदम बनके तैयार हैं और दिखने में कितने ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहे हैं, एकदम बाज़ार से भी कहीं ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और साथ में ये टेस्टी तो हैं ही, और इसी के साथ में ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी हैं, क्योंकि मार्केट में जो भी रोल्स या जो भी स्नैक्स हमको मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी तरीके से बनाते हैं, जिसको खाने के बाद में हमारी हेल्थ भी ख़राब हो जाती है कई बार,
लेकिन आप घर पे अगर इस तरह से रोस्ट को बनाएंगे तो आप बाज़ार के सारे रोस्ट को भूल जाएंगे। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यार आप लोग वीडियो देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।